दोस्तों, आज के समय में स्मार्टफोन आम आदत हो गई है। अधिकतर लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर रात को सोने से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें तो उनको नींद भी नहीं आती है। दोस्तों, अगर आप भी रात को सोते समय अंधेरे में स्मार्टफोन को चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये आदत आपके लिए कितनी भारी नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, रात में सोने से पहले या अंधेरे में काफी देर तक अगर आप स्मार्टफोन पर काम करते हैं तो ये आपकी आंखों और ब्रेन पर काफी बुरा असर डालता है। दोस्तों, इस चीज को लेकर कई बार रिसर्च भी हुई है और स्टडीज भी हो चुकी है। उसमें ये साबित हो चुका है कि अंधेरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन पर काम करना कितना खतरनाक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा। अगर हम रोज दोस्तों अंधेरे में 30 मिनट भी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर काम करते हैं तो इसका असर हमारी आंखों पर पड़ता है, हमारे ब्रेन पे पड़ता है, आंखें ड्राई होने लगती है। आंखें ड्राई होने से दोस्तों हमारे रेटिना जो होता है आंखों में, उस पर बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक यही रूटीन अगर हम रखते हैं तो इससे आंखों की जो रोशनी है वो जा सकती है, खत्म हो सकती है। दोस्तों, रात में सोने से पहले हम अंधेरे में अगर इस फोन का यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल दोस्तों कम होने लगता है और ये हार्मोन हमारे शरीर में नींद के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके कारण हमें नींद देर से आने की प्रॉब्लम होती है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। और दोस्तों, ये मेलाटोनिन हार्मोन अगर कम हो जाता है, आवश्यकता से अधिक कम होता है, तो इससे हमें स्ट्रेस का खतरा रहता है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप ये आदत बहुत समय तक अपनाते हैं, देर तक अंधेरे में मोबाइल को चलाते हैं, तो इससे आपके ब्रेन में ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है और हमारे दिमाग की मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसके दौरान आपको क्या होता है, कोई भी कुछ भी चीज बताता है तो आपको याद नहीं रहती है, आपको अपना काम भी याद नहीं रहता है। अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है तो आप सोच लें कि आप स्मार्टफोन का अंधेरे में इस्तेमाल कम कर दें, ज्यादा आप स्क्रीन को न देखें। दोस्तों, अगर आप रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको रात को नींद सही तरीके से नहीं आती है। आप सवेरे उठेंगे तो भी आपको थकान महसूस होगी, पूरे दिन आपको थका थका महसूस होता है। अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो ये लक्षण आपको जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम कर दें। उसी के साथ दोस्तों, देर रात तक अगर हम स्मार्टफोन मोबाइल का यूज करते हैं तो इससे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने वाली जो ऑप्टिक तंत्रिका होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। इससे ग्लूकोमा यानी कि काले मोतिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक अगर हम रात या दिन किसी भी समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे आंखों में जो फोकसिंग मसल्स होते हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। इससे किसी भी चीज पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम सही ढंग से किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। किसी भी चीज को सही तरीके से देखने के लिए हमें काफी दिक्कत होती है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे आपकी आंखें लाल हो सकती है, आगे जाके आंखों में जलन इत्यादि की समस्या भी हो सकती है। साथ ही मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पैदा कर देता है जो कि आंखों को बदसूरत भी बना सकता है। दोस्तों, ये था कि स्मार्टफोन को अगर आप अंधेरे में 30 मिनट और दिन में ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर पे ये क्या नुकसान करता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।